हमारे मतलब तू ए जा ये लगता रहा के घर में नानू घुसे दिया ना ना ऐसी कोई बात नहीं के पूरम वो तो हम अपन मर्जी झूठ मत बोल तू कहे आग से लोग कच्ची झुटलावे पे पड़ल बरुआ तू शायद भूला तरू की तहर सामान अभी ले बाहर पड़ल बा तरुक हम बात करता नहीं अजीत बाबू से ना पूरब तनी रुकी हमरा की बात करेगा पूरब अजीत बाबू बानी का हम उनकरा से कुछ बात करे के चाहता नहीं अब कौन बात बाकी रह गई बा इतना कह के भी मन नहीं के भरल का जो कुछ भी भइल बा वो बात के हमरा बहुत अफसोस बा माने के पड़ी तहनी के बेहे आई इतना कुछ होला के बाद भी आ गईल एजा आपन ई चेहरा दिखावे शर्म नाम के कोनो चीज बचल बा की ना तहरा ई आंख में देखी हम जाना तनी की हमनी के तरफ से बहुत बड़ी गलती भइल लेकिन हमरा विश्वास करी कि जो कुछ भी भइल बानू ओकरा विषय में हमरा के या हमर बहिन विभा के कुछ मालूम ना रहे विभा निर्दोष भी है जो कुछ भी भइल बानू ओकरा में हमर बहिन के कोनो गलती नहीं थी अरे गलती चाहे केहू के भी होके लेकिन आज भुगते तो हमनी के पड़ रहल बा ना अपनी रवे बताए कि अगर यह चीज अपने साथ भइल रहे तो का ओ बेरा भी रवा यह कहती अरे तानी इतना बातचीत का कर बारू चल बाहर का एकरा के और एकरा कुपातर पहन के देखी हम जाने तनी कि रवा लोग के साथ बहुत जाती भइल बा लेकिन सोची ना कि जे गलती नहीं के कैले ओकरा के सजा दिले के का फायदा एक बार रवा लोग हमार बहन की तरफ देखी बहुत नीमन बाड़ी ओकर ओकरा जैसे दिल इस दुनिया में दूसरा ना मिली मर विभा के सजा मत दी वो बहुत नीमन भी है अगर यह बात बा तो तू एगो काम काहे नहीं के करत अपनी नीमन चिकन बहिन के अपनी साथे ले जा और हमनी के तो बख्श दे देखी हम रवा लोग से विनती करा था नहीं एक बार ठंडा दिमाग से हमार बहन से बात करी हमारा पूरा विश्वास बा कि रवा लोग के गुस्सा छू मंतर हो जाए का हो तो हर पूरा थाने डीट बा का
तोहर मातारी एक नंबर का ढीत और उनकर से भी बड़ ढीत तोहर ई बहिन जवन खूटा काढ़ के भरी खड़ी बिया। अब एगो तोहरा कमी ना करा तुहू आके अपन डिटाई दिखाई देना। अब हम कहता नहीं चल निकल एजा से निकल। तुहार उ मुच्छर मामा हमनी के धमकी देत रहे ना कि अगर हमने ओकरा भगिनी के साथ कुछ कहनी तो पूरा गांव सहेज के हमनी के द्वारे के आगे आ जाए। लेकिन हमनी धमकी ना चेतावनी देत बानी कि अगर तू एजा से ना निकलन ना तो हमनी को गांव वाले के ना बुलाए। हमनी पांचों बहन काफी बानी तो हर बदे। अब चल हमार दिमाग घूमे ओकरा से पहले तो 9-10-11 हो जा निकल एजा से निकल एजा से निकल एजा से। पूरब ए पूरब हमरा मान और तू घरे चल जा। वैसे जाके तू बाबूजी सुधा का ध्यान रख। नहीं हम तहरा के एजा छोड़ के कहीं ना जाए। और चल एक बार तू भी चल हमरे साथ। नसीब से पीछा छुड़ा के क्यों का भाग पाई पूरा हम एजा से कहीं ना जाए। ये नियति बा और ये है मार मुकद्दर। और वैसे भी हम घरे जाके का करें। अब हमार ब्याह हो चुकल बा पर तू तो जानते बाड़ा कि हमरा ब्याह के लेके पहले से ही घर के लोग कितना परेशान रहना। अब अगर हम वापस चल गए नहीं तो वो लोग की परेशानी और बढ़ जाए और अब वो लोग खाते परेशानी बने के नहीं खींचा है। लेकिन तू एजो कैसे रहे भू? अब तो जवान हमरा नसीब में हुई ऐसा ही है कि पड़ी हम अपना नसीब के पिता के विधान मान के सहले। तू जाए एजा से और जाए से पहले हमसे वादा करके जा कि जवन कुछ भी भय एक का जिम्मेदार तू माई के मान के उनकरा से नाराज ना रहे। हाँ पूरब एकरा में माई के ना हमरा नसीब के दोष बा। एजे तू माई से बैर मत रखिया। जिद मत कर भाई जिद मत कर। याद कर तो याद कर जब जब हर साल हम तेरा के राखी बांधी तो तू हमरा से ये कहा कि दाने गुदार रहे। जब हम नौकरी करब तो तेरा के सब कुछ दे। आज हम तू से अपन उधार मांग रहे बानी भाई। हाँ पूरा आज हम के हमारे नेक के रूप में तू यही दे दे।
जैसे चल जा, जैसे चल जा भाई, और वादा करके जा कि हमारी चिंता छोड़ के तो अपना घर वाले लोग के ध्यान रखा, वादा कर भाई। कितना आसानी से तू अपन राखी बन भैला मांग ले लू ना तारा, हमार उधारी लगावल बात याद बा, लेकिन तू बात कैसे भूल गई लू जन हम राखी बनहला के बाद तारा से वादा करत रहे कि तारा के हम कबो कबो कोने तकलीफ में ना रहे दे, तारा के हर मुसीबत से बचाई, तार दुख दर्द सब बराबर बराबर बांट ले, इसे इसे कम से कम आज तक अपन राखी के दुहाई मत था। जानता नहीं कि हम ऐसा भागा भाई हैं जो आज तक अपन बहन खातिर कुछ ना कर पाए, लेकिन आज हम तारा की ही हाल में छोड़ के कहीं ना चाहे, तू चल हमरा साथ, तू चल हम तारा के लेके नानी के यहाँ चल जाए, मेहनत मजूरी करब हमने के गुजर बसर हो जाए बीबा, तू हमरे पे भरोसा रख, तू हमरे पे भरोसा रख, हम सब संभाल, और बीबा देख तू अनाथ नहीं को, तार भाई अभी जिंदा बा, हम जिंदा बा नहीं तारा खातिर, चल बीबा तो चल हमरा साथ, चल हम थोड़ का देर ला तहार बात मान के तहरा साथ ही चलता है, लेकिन सोच ले बार उकरा बात का हुई, एक तो हमरा वजह से पहले से ही बाबूजी इतना परेशान मानी, अब अगर बाबूजी के ये बात के पता चली तो वो तो जीते जी मर जाए हन, तनी ये तो सोच कि हमने क्या ऐसा हाल में देख के नानी की कहा हुई ये बुढ़ापा में वो इतना दुख इतना तकलीफ कैसे बर्दाश्त करिए, ना पूरा हम ऐसे कहीं ना जाए, हम जाने था नहीं कि तो अपना बहन खातिर कुछ भी कर सकेला, लेकिन हमने क्यों उठा वाली कदम एकदम सही ना हुई, और वैसे भी इस समय बाबूजी की सबसे ज्यादा जरूरत हार हुई, तू जाके उनका आके संभाल, पर हमारी चिंता एकदम मत कर, हम जाने तनी कि अभी ये लोग हमरा से नाराज बा, और इनकी नाराज की जायज भी बा, ऐसे तू अभी जा और अपना बहन पे भरोसा रख, हम एक ना एक दिन ये लोग के दिल जरूर जीत ले, हम सब ठीक कर ले, पूरा सब ठीक कर ले, हम तारा के हाथ जोड़ता नहीं पूरा, हमारी बात मान ला भाई, तू ऐसे से चल जा, तू जा ऐसे से पूरा। कहा तारू तो हम अभी जान बने, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि तार भाई तारा खातिर कुछ भी कर सकेला, कुछ भी, हम जानू तानी
इतना रात हो गई और ये बेचारी अब तक ऐसे ही दरे पे खड़ा भी है। ना ना, ये दया के पात्र एकदम नहीं की, इनका अपना घरे लौट ही कोई। ये तरीका से हम ही लोग की गलती के माफ करके इनका अपना घर में नहीं बुला सकते। कितना देर खड़ा रह पाइए, जब थक जाइए तो अपना घर की तरफ इनका कदम अपने आप मुड़ जाइए।